हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहां पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर में 9 क्राइटेरियाज होते हैं और यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी होती हैं। तो यहाँ पर हम ये एनालिसिस करेंगे 3 राउंड्स में। हमारा जो पहला राउंड होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, दूसरा राउंड होगा लीवरेज का, और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। इन तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। इस एरिया में हम कंपनी के उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपनी की बैलेंस शीट के साथ में आपको बताएंगे, एनालिसिस के साथ बताएंगे कि कंपनी ने कहां पर कोई भी पॉइंट्स लूज किया है। तो दरअसल ये वो इलाका है जहां पर कि हम कंपनी की कमियों के बारे में बात करेंगे, उसके ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये होगा आपको तीनों राउंड को खत्म करने के बाद, आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं ये एनालिसिस। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 3 कैटेगरीज हैं और इनको हम 3 राउंड्स में लेंगे। सबसे पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरियाज हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज, और इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है या नहीं, और यदि ये पॉजिटिव होगी तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। हमें अमाउंट से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने देखा कि कंपनी की जो नेट इनकम है 2020 में वो है 774.12 करोड़। ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं, और यदि ये पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। हमें यहाँ पर भी अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं और हम देखते हैं कि कंपनी का, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में है मार्च 2020 और यहाँ पर बॉटम लाइन में है रिटर्न ऑन एसेट, तो यहाँ पर आ रहा है 1.13%। ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव फिगर है। तो कंपनी को हम देते हैं 1 पॉइंट और जाते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया और हमने ये देखा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो काफी ज्यादा है और 7,375.32 करोड़ है। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है ही, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में, जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था, वो फर्स्ट क्राइटेरिया के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं क्या है यहाँ पर। हमने अभी अभी देखा था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था कंपनी का 7,375.32 करोड़ और इसका जो नेट इनकम थी वो 774.12 करोड़ थी। तो ये इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो काफी ज्यादा है और हमें इसलिए कंपनी को 1 पॉइंट देना पड़ेगा। ये मैं आपको दोबारा से डाटा शीट दिखा रहा हूँ। ये रहा इनका नेट प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट और इस प्रकार से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हो जाते हैं 4 पॉइंट। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 4। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड।
इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं तीन क्राइटेरियाज हैं, वो हम क्राइटेरियाज चेक करते हैं कि कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो क्राइटेरिया जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करेंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें राउंड टू और राउंड थ्री में कुछ वर्ड्स मिलेंगे अभी जो कि लोअर और हायर के नाम से होंगे। इसका मतलब है कि हमें करंट ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना है। और यदि हम इसको कंपेयर करेंगे और जो भी कंडीशन होगी, जो क्राइटेरिया होगा, उसको लोअर या हायर, उसको हमें चेक करना है और कंपेयर करना है और उसके हिसाब से कंपनी को पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट करंट ईयर का वो लास्ट ईयर के अपेक्षा कम होना चाहिए। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लीवरेज को इंडिकेट करता है, और किसी भी कंपनी का जो लीवरेज होता है यदि वो कम होता है तो वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि लास्ट ईयर इसका 2019 में 2.68 था डेब्ट टू इक्विटी, जबकि ये मार्च 2020 में कम हो गया है, 2.47 हो गया है। और हम कहेंगे कि इसके लीवरेज पोजीशन में सुधार हुआ है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक पॉइंट। तो हम कंपनी को एक पॉइंट देते हैं और आगे आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें कंपनी का करंट रेशियो चेक करना है। करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। तो हमें कंपनी की लिक्विडिटी पता करनी है और ये देखना है कि क्या ये लास्ट ईयर की यानी कि प्रीवियस ईयर के करंट रेशियो से बड़ा है या नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीज होना चाहिए तभी हम कहेंगे कि कंपनी की जो फंडामेंटल वैल्यू है वो बड़ी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट ईयर इनका जो करंट रेशियो था वो था 0.74 और ये बढ़ करके मार्च 2020 में हो गया है 0.86। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो लिक्विडिटी है उसमें सुधार किया है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक पॉइंट। तो हम कंपनी को एक पॉइंट देते हैं और आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में लीवरेज के। ये है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे ड्यूरिंग द करंट ईयर तो हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि नए इक्विटी शेयर इशू होने से कंपनी के जो इक्विटीज है वो डाइल्यूट होती है। तो हमें केवल इतना चेक करना है कि क्या कोई नया इशू आया था। तो हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने पाया कि किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं आया है और इसलिए हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, क्योंकि कंपनी की जो इक्विटी है या शेयर है वो डाइल्यूट नहीं हुए हैं। तो अभी हमने देखा कि कंपनी के लीवरेज में से तीन पॉइंट आए हैं और हमारा सेकंड राउंड खत्म हुआ। सेकंड राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर सेकंड राउंड वो हो जाता है 7। तो आपने देखा कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली श्रेणी में अभी आ चुकी है और अभी इसके पास दो क्राइटेरियाज और हैं। वो दो क्राइटेरियाज हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाली कैटेगरी में। हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में और देखते हैं कौन कौन सी वो दो क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ पर ये रहे वो दो क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल से बढ़ा है या नहीं, क्योंकि ये एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन है वो शो करता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बड़ी है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों साल का। हमने देखा कि मार्च 2019 में इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 23.86%, जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके 29.19% हो गया है। यानी इसमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे एक पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने नौवें और अंतिम क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो का। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स का किस हद तक अपनी रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया है। तो यहाँ पर हम दोनों साल के डाटा को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो टर्नओवर रेशियो है वो मार्च 2019 में 35.50 था, जबकि मार्च 2020 में ये 32.46 रह गया है। यानी इसमें कमी आई है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने जो टोटल एसेट्स थे उनका भरपूर यूज नहीं किया है करंट ईयर में, और यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल उससे खराब होता है और हम कंपनी को देते हैं जीरो पॉइंट।
तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और हमारा तीसरा राउंड इसके साथ ही खत्म होता है जिसमें कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है, फाइनल स्कोर हो जाता है वो है 8। लेकिन हमने जैसा कि पहले बात की थी कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी हमें इसके ग्रे एरियाज में जाना होगा और हमने देखा होगा कि कहाँ पर इसने 1 पॉइंट लूज किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंपनी का ग्रे एरिया है, और इस ग्रे एरिया में आप देख रहे हैं कि कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, वो किया है केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को कोई इशू नहीं हुआ था और कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिले थे। इसी तरह से लीवरेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 3 में से 3 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, यानी कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो काम करने का तरीका था प्रॉफिट की दृष्टि से वो ठीक नहीं था, और ये जो उसका रेशियो था जो खराब हुआ था वो था एसेट टर्नओवर रेशियो। तो हम एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी का डाटा को चेक किया और ये देखा कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो लगभग 6% बड़े हैं करंट ईयर में, जबकि जो इनकी सेल है वो 2% से कम हुई है। तो आप देख सकते हैं ये रहा कंपनी की बैलेंस शीट, और इसमें आप देखिए ये रहा करंट एसेट्स जो कि 6% बड़े हैं, 84,162 करोड़ से बढ़कर के 89,748 करोड़ हो गए हैं। लेकिन यदि आप सेल की बात करेंगे तो सेल काफी ज्यादा कम हो गई है और 29,881 से 29,136 करोड़ हो गई है, यानी कि एसेट्स तो बड़े हैं लेकिन सेल बड़ी नहीं है बल्कि ये कम हो गई है। तो यहाँ पर इसकी वजह से इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो खराब हो गया है और कंपनी ने 1 पॉइंट यहाँ पर लूज किया है। तो फ्रेंड्स ये था ग्रे एनालिसिस टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का और टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है और पाइथ्रोस की स्कोर में उसने 8 पॉइंट्स अचीव किए हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।